हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं यहां पे जो है चरणमेजा शिक्षक बहाली के जो दूसरे चरण की जो काउंसलिंग होने वाली है उसके रिक्त पदों के बारे में। जी हां, यहां पर जो है दूसरे चरण की जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें जो रिक्त पद बचे हुए थे, ठीक है, उनको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं। यानी कि इससे पहले की जो पहले चरण की जो काउंसलिंग कम्प्लीट हुई थी उसको कम्प्लीट करने के बाद उसमें जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए उनके सिलेक्शन के बाद जो पद बचे हैं उनको यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं और टोटल बताने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विवरण पूरा कंप्लीट उपलब्ध नहीं है, कैटेगरी वाइज जो है नहीं है, ठीक है। ये आपको हम टोटल बता रहे हैं तरीके से कि अभी आपको इतनी सीटों पे और जो है लड़ने का मौका मिलेगा। अगर आपने सभी जगह पे आवेदन किया होगा या कुछ पर्टिकुलर जगह पे किया होगा तो वहां पे पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा। नियोजन इकाई वार इसका जो विवरण आएगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक संक्षिप्त रूप में हम आपको जो है समरी बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रखंड में एक से पांच के लिए, प्रखंड में एक से पांच के लिए, चाहे वो सामान्य शिक्षक के पद हों, चाहे उर्दू के हों, चाहे बांग्ला के हों, ठीक है, टोटल जो पद बचे हैं मात्र 593 मात्र 593 पद जो है प्रखंड शिक्षक में एक से पांच के लिए बचे हैं, ठीक है। दूसरे चरण की काउंसलिंग जो होगी ये पूरे बिहार का मिला के बता रहे हैं आपको, ठीक है। इसमें वो जिले शामिल नहीं है जहां पर पहले चरण की काउंसलिंग नहीं हुई है, इसमें सिर्फ वो जिले शामिल है जहां पर पहले चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। तो 593 पदों पर जो है बहाली होगी प्रखंड शिक्षक एक से पांच के लिए पूरे बिहार में, ठीक है। उसके बाद जो है नगर निकाय में एक से पांच के लिए जो टोटल पद बचे हैं मात्र 287 पद बचे हैं, जो कि जो है जहां पहले चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी थी वहां का है डाटा, ठीक है। तो 287 पद जो है दूसरे चरण में नगर निकाय एक से पांच, चाहे सामान्य शिक्षक हो, चाहे उर्दू हो, चाहे बांग्ला हो, सब मिला करके है, ठीक है। इसके बाद जो है 6 से 8 में जो आपके पद बचे हैं नगर निकाय के लिए वो मात्र 132 पद हैं, 6 से 8 नगर निकाय मात्र 132 पद बचे हैं, ठीक है, मात्र 132 हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट सारी कैटेगरी सब मिला के 6 से 8 के, ठीक है। उसके बाद जो है प्रखंड शिक्षक के लिए 6 से 8 में जो टोटल पद बचे हैं सारे सब्जेक्ट सारी कैटेगरी मिला के मात्र 623 पद जो है बचे हुए हैं, ठीक है, मात्र 623 पद जो है बचे हुए हैं। इसके बाद जो पंचायत की हम बात कर लेते हैं, तो पंचायत में जो पद बचे हुए हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए, और सभी पंचायत में लगभग पहले चरण की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, कुछ ही पंचायत नियोजन इकाइयां होंगी, ज्यादा नहीं है, नाम मात्र की हैं, वहां पे जो है पहले चरण की काउंसलिंग रद्द हुई थी। तो दूसरे चरण की काउंसलिंग में आप ये मान के चलिए कि जो पंचायत के जो पद बता रहे हैं ये फाइनल पद हैं, टोटल सीट जितनी बताई गई थी, ठीक है, प्राथमिक शिक्षक के लिए 6 से 5, 6 से 8 मिला के, ठीक है। तो ये टोटल पद हैं आपके, ठीक है, पंचायत के, तो इसमें जो है 1 से 5 ही होता है, 6 से 8 नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है 8594 पद मात्र बचे हैं, 8594 पद इसमें जो है मात्र बचे हैं। यानी कि जो है टोटल जो पद बचे हैं दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए, जहां पे दूसरे चरण की काउंसलिंग होनी है उन नियोजन इकाइयों में, तो उसको हम जो है आपको अभी जोड़ के बता दे रहे हैं कितने पद जो है टोटल अब बच रहे हैं जिन पे बहाली होनी है, ठीक है। तो ये आपका जो है जोड़ दे रहे हैं, मात्र जो है 10,229 पद, मात्र जो है 10,229 पद जो है बचे हुए हैं, ठीक है। तो 10,229 पदों पे जो है दूसरे चरण की बहाली होगी, काउंसलिंग होगी, इसमें 1 से 5, 6 से 8, ठीक है, और पंचायत शामिल है, ठीक है, चाहे सामान्य शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 के शिक्षक हो, टोटल 10,229 पद मात्र बचे हैं, ठीक है। और अभी तक जो सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी थे 15,836 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, 15,836 लोगों का सिलेक्शन अभी तक जो है हो चुका था, ठीक है। तो ये जो है सारा डाटा है, यानी कि अब सीटें ज्यादा बची नहीं है, ठीक है, अब सीटें जो है ज्यादा नहीं बची है, मात्र 10,229 पदों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग की जो है प्रक्रिया शुरू होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, सारा डाटा मिल गया होगा।
तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रखंड शिक्षक में जाना है या नगर निकाय के लिए जाना है या पंचायत में बैठना है, क्योंकि प्रखंड में भी सीटें कम हैं, नगर निकाय में भी लगभग सब जगह सीतें घट चुकी हैं, 6 से 8 में तो खास तौर से सीटें कम हो चुकी हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि आपको कहाँ काउंसलिंग करानी है या नहीं करानी है, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।